वाई वी फॉरगेट, हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं, तो इस चीज़ को हम तीन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इसमें सबसे पहली हमारी थ्योरी आ जाती है एनकोडिंग फेलियर की, देन सेकेंड हमारी आ जाती है मेमोरी ट्रेस डिके, एंड थर्ड हमारी आ जाती है इंटरफेरेंस थ्योरी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एनकोडिंग फेलियर। एनकोडिंग होता क्या है? एनकोडिंग होती है जब इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से हमारी मेमोरी में सेव होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। और ये एनकोडिंग होती कैसे है? जब हम किसी चीज़ पे अटेंशन पे करते हैं तब इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है, यानी कि हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। और यहीं पर अगर हम किसी चीज़ पर अटेंशन पे ना करें तो एनकोडिंग फेलियर यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमारे बगल से गुजरा ऐसे साइड से और वो कुछ बोल के गया हमें, लेकिन हमने क्या किया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि आवाज़ तो उसकी आई, हमने सुना तो है, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अटेंशन पे नहीं किया कि उसने बोला क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मेमोरी में प्रोसेस ही नहीं हो पाई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनकोडिंग फेलियर हो जाता है, यानी कि हम चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, इसकी वजह से हम भूल जाते हैं। सेकंड हमारी थ्योरी आ जाती है मेमोरी ट्रेस डिके। तो सबसे पहले मेमोरी ट्रेस होता क्या है? जब हमारे ब्रेन में मेमोरी बनती है तो हमारे जो ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक घास का मैदान है और उस पर हम बार बार आना जाना कर रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो घास है धीरे धीरे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी और वहाँ पे एक रास्ता दिखने लगेगा, तो ये क्या है, ये एक ट्रेस है। उसी तरह से हमारी मेमोरी में क्या होता है, यानी कि जो ऐसे ही हमारी मेमोरी में ट्रेसेस बनती है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ हम इस रास्ते को बार बार यूज़ ना करें, यानी कि उस पर आना जाना हम बंद कर दें, तो वो घास वहाँ पर फिर से उग जाएगी, यानी कि वो रास्ता दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारी जो मेमोरी है वो डिके हो जाएगी। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मेमोरी ट्रेस डिके थ्योरी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन डिके कैसे होती है, जैसे कि अगर मान लो हम इन्फॉर्मेशन को रिहर्स ना करें, ठीक है, मेंटेनेंस रिहर्सल उसका ना करें, तो वो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं रहेगी, ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको भूल जाएंगे या फिर वो डिके हो जाएगी। उसी तरह से जैसे कि हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन डिके होती है, इन्फॉर्मेशन हमारी इलेबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गई है, बट सेव होने के बाद भी अगर हम उसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पड़ी है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ इट और लूज़ इट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अगर हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी सेव हो जाती है मेमोरी में, और अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो हम उसको लूज़ कर देते हैं, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिके हो जाती है, मेमोरी जो है वो डिके हो जाती है। थर्ड हमारी थ्योरी आ जाती है इंटरफेरेंस थ्योरी। तो इंटरफेरेंस यहाँ पर दो तरह से होता है, फर्स्ट होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम कोई नई चीज़ लर्न करते हैं और जो पुरानी चीज़ हमने पहले लर्न की हुई है वो पुरानी चीज़ हमारी नई चीज़ को लर्न करने में इंटरफेयर कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पहले फ्रेंच या फिर हमने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है और अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेनिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेंच जो है वो स्पेनिश में इंटरफेयर कर रही है, यानी कि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है नई इन्फॉर्मेशन में हमारी इंटरफेयर कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, जब हमारी नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन में इंटरफेयर करती है इसको हम बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। या तो ये तीन हमारी थ्योरीज के थ्रू हमने देखा कि कैसे हम चीज़ों को भूलते हैं, क्यों हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, कि क्यों हमारी जो है फॉरगेटिंग होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।